हेलो स्टूडेंट, ग्रो विद इन्फिनिटी क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज जो अपने थंबनेल में देखा होगा कि इस थंबनेल में आपको क्या दिख रहा है कि ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्ज़ाम, यानी कि बोर्ड एग्ज़ाम जो पेपर आएगा वो किस हिसाब से आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ आज हम देखने वाले हैं। तो हम टाइम वेस्ट ज़्यादा ना करें और हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे आज। और जिसने पहली बार इस हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं, तो ताकि आपको अच्छा से अच्छा वीडियो लगे तो हम आगे और वीडियो बनाएं ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको और भी देखने को मिले। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है और कैसा क्वेश्चन है, तो उसको करने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और ये आपका केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। जैसे आपको देखिए इसमें क्या दिख रहा है कि इन द गिवन केमिकल इक्वेशन ए स्टैंड फोर, यानी कि आपको जो रिएक्शन दिख रहा है, ये रिएक्शन जो है, इस रिएक्शन में Mg जो है 2A, कोई एक कंपाउंड है 2A जो हमें पता नहीं है, वो MgCl रिएक्शन करता है और Mg के साथ MgCl2 बनाता है और H2 बनाता है। तो आपने अपने देख रखा है केमिस्ट्री में, जब कभी भी Mg जो है वो Cl2 के फॉर्म में यदि कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब है Cl2 के फॉर्म में जब कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या रहा होगा कि HCl से रिएक्शन कर रहा होगा, तभी तो H2 रिलीज हो रहा है। तो यानी कि हमारा जो आंसर आने वाला है वो क्या आएगा, HCl। यानी कि जब कभी भी आप कह सकते हो कि जब Mg जो है जब वो HCl एसिड के साथ ही रिएक्शन करता है तो सॉल्ट बनाता है। तो आपने एक चीज़ पढ़ रखा है कि जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट बनाता है, तो यहाँ पर आने वाला क्या होगा, एसिड होगा, और एसिड हुआ तो इसमें Cl भी आना है, तो Cl आने के लिए आपको आंसर करेक्ट हो जाएगा HCl। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा HCl। तो अब हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कैसा है उसको देखते हैं। तो देखिए सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि अपने हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के क्वेश्चंस हैं, तो आपको अगर कन्फ्यूजन लगे तो आप हिंदी मीडियम क्वेश्चंस को भी देख सकते हैं। तो पहले हम इंग्लिश मीडियम क्वेश्चंस देखते हैं कि नेम द कंपाउंड ए इन द गिवन एक्सपेरिमेंट विच प्रोड्यूस CO2 व्हेन रिएक्ट विद द सल्फ्यूरिक एसिड। कह रहे वैसा कौन सा कंपाउंड है जो क्या करेगा, हिंदी के मीडियम में अगर आप देखें तो क्या लिखा है कि हिंदी वाले बच्चे, यदि एक प्रयोग में यौगिक ए के नाम क्या है जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, तो मतलब ऐसा कौन सा यौगिक है, यानी कि कंपाउंड है जो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करे और कार्बन डाइऑक्साइड बना ले। तो अपने मेटल नॉन मेटल चैप्टर जो हमारा मैथ साइंस का है उस हमने देखा है कि जब कभी भी मेटल जो है मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट, ये दो चीज़ जो होते हैं जब इसको हम क्या करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, जब इनको हम रिएक्शन करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो हमें क्या बनाता है, हमें याद रखना है कि जब कभी भी ये रिएक्शन करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो ये बना के आता है हमें क्या, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि धातु कार्बोनेट यानी कि मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट दोनों जो हैं जो सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। तो इसका मतलब है हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो करेक्ट आंसर होने वाला है कौन सा, बोथ बी एंड सी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मान लीजिए विजुअली हैंडीकैप जो पर्सन होते हैं उसके में ये क्वेश्चन होता है कि जो कि वो देख तो सकता नहीं है, तो उनको क्वेश्चन देख सुन के कैसे आंसर निकालना है, तो वो क्वेश्चन हम भी करने की कोशिश करते हैं। हम लोग भी देखिए कैसा क्वेश्चन है, अ कंपाउंड एक्स रिएक्ट विद द सल्फ्यूरिक एसिड एंड प्रोड्यूस सॉल्ट एंड CO2 इज रिलीज द कंपाउंड इज, मतलब एक धातु एक यौगिक एक्स है, यानी कि कोई एक्स एक कंपाउंड है, ठीक है, और एक कंपाउंड एक्स है, ठीक है, एक कंपाउंड एक्स है और एक कोई एक्स ए सॉरी एक कंपाउंड ए है जो एक्स के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस कर रहा है, अ साल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड। ठीक, यानी कि एक यौगिक एक्स सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, यानी कि आपके पास कोई मान लीजिए एक्स है एक जो सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 के साथ रिएक्शन कर रहा है और क्या बना रहा है, एक लवण तथा कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, यानी कि आपको पता है कि यहाँ पर एक लवण बनेगा प्लस CO2 बनेगा। तो ये लवण बनाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, हमें वो चीज़ यहाँ पर लिखना है। हमने ये चीज़ हमें पता है कि अभी थोड़े पहले हमने ये देखा था पिछले वाले में कि यहाँ पर अगर एसिड होता है यहाँ लवण बनाना है तो यहाँ पर क्या होना है, धातु कार्बोनेट होना है और धातु बाइकार्बोनेट होना है। इसका मतलब है हमें सीधा आंसर क्या मिल जाएगा, धातु बाइकार्बोनेट इसका और धातु कार्बोनेट दोनों इसका सही है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन हमारा आएगा बी एंड सी, यानी कि डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो
तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारा कह रहा है कि देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन मेटल रिएक्ट विथ किसके साथ हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा कि हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगा, मतलब कि ऐसा कौन सा रिएक्शन है, ऐसा कौन सा पार्ट है जिसके साथ हाइड्रोजन गैस रिएक्शन रिलीज नहीं होता है। यानी कि आपको आपके एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है कि HNO3 एक ऐसा एसिड है जो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा है कि अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए कैसे क्वेश्चन है अगले। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन से संतुलित रासायनिक समीकरण को दर्शाता है, यानी कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन। पांचवें क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन कौन सा है। देखिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको सिंपल बैलेंसिंग देखना है, तो आप ये देखिए कि इसमें बैलेंस कौन सा है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ देखिए CuCO2 लिखा हुआ है, CuOCO2 जहाँ पर, यहाँ पर आप क्या है बैलेंस नहीं है। यहाँ पर देखिए आपको डी ऑप्शन में जो है ये क्या दिख रहा है, 2Cu है, O2 है, LHS में जो है वही RHS में भी उतना ही है। इसका मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा डी। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डी। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि आपको एक दे रखा है रिएक्शन। देखिए इस रिएक्शन में पूछ रहा है कि इसमें रिएक्शन नहीं, एक आपको सैंपल दिया हुआ है किसका, पीएच स्केल का, है ना। तो इस पीएच में देखिए आपको क्या दिखा रहा है कि पीएच ऑफ अ कंपाउंड ए इंडिकेट ऑन पीएच स्केल। पीएच स्केल पर क्या दिख रहा है आपको ये चीज़ बताना है। इसमें देखिए ए है, इसमें ओएच नेगेटिव की तुलना में एएच अधिक है। अब इसमें आपको क्या दिख रहा है, देखिए एच एच जो है इसमें एच का मात्रा ज़्यादा है और ओएच नेगेटिव कम है, तो इसमें हम यही चीज़ देख सकते हैं। देखिए ओएच नेगेटिव की तुलना में एच अधिक है, ये बात भी सही कह रहा है, OH नेगेटिव की तुलना में H अधिक है, सही बात है। और यह स्वाद में कड़वा है, यह क्षार में प्रकृति है, इसमें H प्लस आयन की तुलना में OH नेगेटिव अधिक है। लेकिन हमारा ऑप्शन क्या होने वाला है, तो हम ऑप्शन के हिसाब से बात करें तो हमारा ऑप्शन होने वाला है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे इसमें पूछ क्या रहा है, क्योंकि पीएच स्केल माना जाए यह यौगिक के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि किस चीज़ की बात कर रहा है, तो सत्य कौन सा नहीं है, तो इसमें से जो है H प्लस आयन की तुलना में OH अधिक है, क्या ऐसा तो है ही नहीं, इसका मतलब आंसर आ जाएगा डी। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा डी। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगर आगे बढ़ते हैं देखिए क्या क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम ध्यान देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक यौगिक ए, अगर मान ली कोई विजुअली हैंडीकैप होगा तो उसको इस क्वेश्चन में डायग्राम तो दिखेगा नहीं, तो हमें कुछ क्वेश्चन को क्या करता है गवर्नमेंट उसको ऐसे लिख के दे देती है ताकि उसको समझ में आ जाए। तो देखिए क्वेश्चन कैसा होता है कि एक यौगिक ए जिसका पीएच 10 है उसके बारे में कौन सा तंत्र है। अब एक बात बताइए, जिसका पीएच वैल्यू 10 होगा वो क्या होगा, सिंपल बात है वो क्या होगा, बेस होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बेस, यानी कि ये क्या होगा, बेसिक इन नेचर। तो इसका आंसर आ जाएगा सी, यानी कि आप बात करें तो सेवन्थ का आंसर क्या होगा सी। अब आते हैं आठवें क्वेश्चन पर, आठवां क्या कह रहा है, आठवां कह रहा है कि व्हेन 1 ग्राम कॉपर पाउडर इज हीटेड इन अ चाइना डिश इट बिकम्स कोटेड विथ ब्लैक कॉपर डाइऑक्साइड बिकॉज, कह रहा है कि जब 1 ग्राम कॉपर चूर्ण है उसको चाइना डिश के साथ गर्म किया जाता है तो काली कॉपर ऑक्साइड की परत बढ़ जाती है क्योंकि, अब आपको पता है कि उसमें ऑक्साइड की लेयर बन रहा है तो भाई ऑक्सीजन जुड़ रहा होगा, सिंपल सी बात है। तो किसी भी मेटल के ऊपर में ऑक्साइड का लेयर जब बन रहा होगा तो ऑक्सीजन जुड़ता है तो ऑक्साइड की लेयर बनता है, तो कॉपर ऑक्साइड बन रहा है यानी कि ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही दिख रहा है, सी देखिए, कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ जाती है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नाइन्थ क्वेश्चन कह रहा है कि अ रिएक्शन बिटवीन आयरन एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज कैटेगराइज्ड एज, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज कैटेगराइज्ड एज। अब देखिए कि इन द रिएक्शन बिटवीन आयरन एंड कॉपर सल्फेट, अब आयरन है, बात करें आयरन की, मान लीजिए Fe है और कॉपर सल्फेट है CuSO4 है, ठीक है। अब ये रिएक्शन करेगा तो आपको क्या बनेगा, आपको पता है कि ये हाई रिएक्टिव एलिमेंट, ये हाई रिएक्टिव एलिमेंट है, ये लो रिएक्टिव एलिमेंट है, तो हाई रिएक्टिव इसको हटा देगा तो हमारा बन जाएगा FeSO4 प्लस Cu। तो यहाँ पर क्या होगा, हाई रिएक्टिव एलिमेंट ने लो रिएक्टिव को हटा दिया, तो आपने पढ़ रखा है कि इसके इस टाइप को जो रिएक्शन होता है उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हिंदी में बात करें तो विस्थापन विधि कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन पर आते हैं, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th क्वेश्चन की बात करते हैं। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10th कह रहा है
कि एसिडिक सॉल्ट आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन, एसिडिक सॉल्ट आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन। एसिडिक सॉल्ट कब बनता है, हमने पढ़ रखा है एसिड बेस एंड सॉल्ट में, जब स्ट्रॉन्ग एसिड ले लीजिए आप, स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये बनाता है न्यूट्रल सॉल्ट बनाता है, याद रखिएगा। और स्ट्रॉन्ग अगर हमारे पास आ जाता है एसिड, और वीक आ जाता है यदि मान लीजिए बेस, तो जिसकी प्रॉपर्टी हाई होगी वैसा हमारा सॉल्ट बनेगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका क्या बनेगा कंपोजिशन, सिंपल बात है, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका क्या बनेगा स्ट्रॉन्ग, हमें पूछा है इसमें एसिडिक सॉल्ट यानी कि स्ट्रॉन्ग सॉल्ट बनेगा, तो स्ट्रॉन्ग एसिड वाला ऑप्शन देख लेते हैं। तो देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड कहाँ पर है, यहाँ रहा स्ट्रॉन्ग एसिड, बी में स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ब्लू लिटमस टर्न रेड, अब ये बताइए कि ऐसा कौन सा एसिड है, ये एसिड ही तो है जिसको आप क्या करेंगे ब्लू मिलाएंगे, ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे तो रेड लिटमस में कन्वर्ट, रेड में कन्वर्ट हो जाता है, इसका मतलब इसका आंसर क्या होने वाला है एसिडिक सॉल्यूशन, तो ब्लू को रेड में वही करता है एसिड, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। अगर हम आगे बढ़े अब 12 क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 क्वेश्चन कह रहा है आपका कि इन केमिकल रिएक्शन द एरो साइन, अब एक कोई केमिकल रिएक्शन है मान लीजिए हमारे पास है ए प्लस बी, ये कोई केमिकल रिएक्शन है और ये एरो ये किसकी तरफ इंडिकेट कर रहा है, तो जो भाई ये रिएक्टेंट है इधर क्या बनेगा प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट को डिनोट करता है, तो हम कह सकते हैं कि जो एरो होता है वो हमारा किसकी तरफ डिपेंड करेगा, ये हमें पॉइंट टू करेगा प्रोडक्ट के ऊपर, यानी कि हमारा आंसर ए आ जाएगा सही, उत्पाद की तरफ डिनोट करता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13, ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज रिएक्ट विद द ऑक्सीजन एंड ब्रेक डाउन इन टू, अब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें ग्लूकोज किस में ब्रेक डाउन होता है, तो हमने देख रखा है कि ग्लूकोज होता है C6H12O6, ये जब रिएक्शन करता है किसके साथ, एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बनाता है CO2 बनाता है, H2O बनाता है और एनर्जी रिलीज करता है, तो भाई ये देखो ऑप्शन कहाँ पर है CO2 H2O और एनर्जी, तो CO2 H2O और एनर्जी आपको दिख जाएगा कहाँ पर ए ऑप्शन में, तो हमारा आंसर आ जाएगा ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अब आते हैं 14th पर, 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, देखिए 14th में एक डायग्राम दे रहा है, उस डायग्राम से हमें पहचानना है कि इसमें कौन सा पार्ट कहाँ पर है, तो अब ध्यान दीजिएगा इसमें आपको क्या कैसे आपको ऑर्डर लिखने हैं इसमें, तो डायग्राम के अकॉर्डिंग देखिए सबसे पहले क्या है, तो सबसे पहले देखिए अगर ये यहाँ लिखा है थर्ड में आपको क्या दिख रहा है कि भाई ये तो किडनी है, ठीक है। सेकेंड में आपको क्या दिख रहा है, सेकेंड आपको दिखा रहा है कि भाई ये तो यूरेटर है, ठीक है। और आपको ये जो पार्ट दिख रहा है थर्ड पार्ट, ये जो नीचे वाला पार्ट होता है वो हमारा यूरेथ्रा होता है, यानी कि यहाँ के हमारा ऑप्शन सबसे बढ़िया कौन सा बनने वाला है कि थर्ड जो है वो हमारा किडनी है, सेकंड जो है हमारा यूरेटर है और थर्ड जो हमारा यूरेथ्रा है, तो यानी कि हमारा ऑप्शन आ जाएगा डी, डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 15th क्वेश्चन पर, 15th देखिए इन ह्यूमन, ये वही विजुअली हैंडीकैप के लिए है जिसमें इसका सेम आंसर क्वेश्चन है, तो इसका भी सेम आंसर आ जाएगा, इसमें भी वही चीज़ है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम करेक्ट सीक्वेंस क्या है, यूरेटर किडनी यूरिनरी ब्लैडर, तो हमें पता है कि सबसे पहले किडनी होता है, तो किडनी यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, या आपको यूरेथ्रा सबसे हमारा क्या होता है सबसे नीचे का पार्ट होता है, तो नीचे होना चाहिए यूरेथ्रा, ऊपर होना चाहिए तो किडनी, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा सी, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, 16 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो 16 क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विच प्रोसेस मेक प्लांट ऑटोट्रॉपिक इन नेचर, अब देखिए प्लांट में ऐसा कौन सा चीज़ होता है जिसको ऑटोट्रॉपिक बनाते हैं, भाई खुद बात है वो फोटोसिंथेसिस करता है, तो फोटोसिंथेसिस इज द करेक्ट आंसर, यानी कि सी इसका सही आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर। क्लियर है यहाँ तक आप बच्चों, आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, हमें उसको समझना है कि कैसे सॉल्व होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 17th क्वेश्चन है, 17th क्वेश्चन में देखते हैं, जैसे कि 17th क्वेश्चन में है मानव में श्वसन के दौरान गैसों का विनिमयन या विनिमय कहाँ होता है, यानी कि इंग्लिश में कह सकते हैं इन ह्यूमन एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, यानी कि ह्यूमन के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेज कहाँ पर होता है, तब हमें पता है कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारा
लंग्स में, लंग्स के अंदर सारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। उस रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हमें ये देखना है कि कहाँ जाके गैसों का एक्सचेंज होता है। तो हमारे बॉडी के अंदर, लंग्स के अंदर एल्वोलाई एक ऐसा जगह है जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस हो जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि एल्वोलाई इज़ द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन क्या होता है कि हमारे लंग्स के अंदर ऑक्सीजन हमारे ब्लड कैपिलरीज को मिल जाता है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड वापस एल्वोलाई के अंदर पहुँच जाता है। हम बात करें तो एल्वोलाई क्या होता है कि सैकलाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें गुब्बारे जैसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बने होते हैं जो लंग्स के अंदर पाया जाता है। ठीक है बच्चों, तब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि हमें डायग्राम के अनुसार इसमें से बताना है कि कौन सा पार्ट कहाँ पर होता है। तो उस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। तो देखिए 18 क्वेश्चन में अगर हिंदी की बात करें, हिंदी में क्या लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए चित्र में एक्स वाई जेड अंगों की पहचान कर उसके मुख्य कार्य का सही मिलान कीजिए। अब मुख्य कार्य किसका क्या है ये हमें बताना है। कि ऐसे ही इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में क्या है कि द स्टडी द गिवन डायग्राम सेलेक्ट द ऑप्शन विच गिव्स द करेक्ट एंड करेक्ट करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड में क्या है, आपको पता है कि जो एक्स जो जहाँ पर दिखा रहा है ये हमारा क्या होता है, पेनक्रियाज होता है। यानी क्या कह सकते हैं, एक्स हमारा पेनक्रियाज है, वाई जो होता है ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, ठीक है, और ये हमारा जो जेड दिखा रहा है ये हमारा लीवर होता है। तो अब इसमें हम देखते हैं कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। अब देखिए एक्स लिखा हुआ है क्वेश्चन फर्स्ट ऑप्शन में कि एक्स स्टमक, एक्स जो है वो स्टमक है, प्रोड्यूस HCl। तो यहाँ पर स्टमक होता तो आपको दिख रहा है कि स्टमक का साइज ऐसा लार्ज सा बना हुआ होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। वाई इज़ द स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोड्यूस HCl। अब वाई जो है स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन HCl तो प्रोड्यूस करता ही नहीं है, ये गलत हो गया। जेड इज द लीवर स्टोर बाइल जूस, आपको पता है कि लीवर जो है बाइल जूस सीक्रेट करता है, स्टोर नहीं करता। तो ये ऑप्शन भी नहीं हुआ, ये ऑप्शन भी नहीं हुआ, नहीं हुआ। तो बचा क्या हमें, वो देखते हैं। एक्स पेनक्रियाज प्रोड्यूस पेनक्रेटिक जूस, हाँ एक्स जो है ये पेनक्रियाज हो सकता है जो कि पेनक्रेटिक जूस सीक्रेट करता है। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन हमें डायग्राम से भी पूछ जा सकते हैं, तो हमें डायग्राम को भी NCERT का ज़रूर देखते हुए चलना है। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है नेक्स्ट 19। 19 क्वेश्चन क्या कहता है, जरा 19 क्वेश्चन को देखते हैं। 19 क्वेश्चन में है कि विच पेयर ऑफ ऑर्गन एंड इट्स फंक्शन इज नॉट करेक्ट। अब इसमें से कौन सा कह रहा है करेक्ट नहीं है वो हमें बताना है, कौन सा करेक्ट नहीं है। तब देखिए नॉट करेक्ट है तो स्टमक HCl प्रोड्यूस करता है, राइट आंसर HCl प्रोड्यूस करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड, स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब करता है, सही बात है एब्जॉर्ब करता है। गाल ब्लड स्टोर बाइल जूस, गाल ब्लडर बाइल जूस का स्टोर करता है, यस गाल ब्लडर बाइल जूस का स्टोर करता है। पेनक्रिया सिगरेट सेलेब्री ग्रेमाइलेज, पेनक्रिया सिगरेट करता है, नहीं ये रॉन्ग आंसर है, क्योंकि पेनक्रिया से पेनक्रेटिक जूस निकलता है। यानी कि हम कैसा कहते हैं कि अगन्यास है सो एमाइलेज नहीं निकलता। यानी कि इसका करेक्ट आंसर, द राइट आंसर इज़ द डी, जो कि गलत है इसका, यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 20वां। 20वें क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए 20वें क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20वें क्वेश्चन में कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है। अब हमें पता है कि हम जब खाना खाते हैं तो हमारे माउथ के अंदर क्या होता है, क्या सिक्रेट होता है, माउथ के अंदर हमारा सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो कि सलाइवा सिक्रेट करता है, और सलाइवा हमें पता है वो स्टार्च का डाइजेशन करता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि माउथ के अंदर सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ के अंदर। तो राइट आंसर इज़ द ए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 21वां क्वेश्चन। 21वें क्वेश्चन पर आते हैं। 21वां क्वेश्चन कह रहा है, देखिए 21वें क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज टू द फैसिलेट द सेफ ड्राइविंग। कह रहे हैं हम कौन सा मिरर का यूज करते हैं सेफ ड्राइविंग करने के लिए। तो अब बताइए बाइक जो होता है, बाइक के साइड मिरर जो क्या करते हैं, हमारा कौन सा मिरर होता है, तो वो हमारा कॉनवेक्स मिरर लगा होता है जिसको हम उत्तल दर्पण कहते हैं, यानी कि कॉनवेक्स मिरर। बी इज़ द राइट आंसर। तो ये हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 22। 22 में देखते हैं क्या कहते हैं। 22 क्वेश्चन है क्या
कि कौन सा उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब का अभिलक्षण नहीं है, यानी कि इसमें से ऐसा कौन सा है, यानी कि विच नॉट कैरेक्टरिस्टिक द फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा ऐसा कौन सा है जो बनाया नहीं जाता है, यानी कि नहीं बनने वाला पूछा जा रहा है। तो देखिए आपको पता है कि उत्तल दर्पण जो होता है वो क्या करता है, आपको पता है उत्तल दर्पण के अंदर क्या क्या चीज़ बनता है। सबसे पहले याद रखना है कि उत्तल दर्पण के अंदर उसकी क्या क्या खासियतें होती है, कहाँ कहाँ इमेज बन सकता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। जो उत्तल दर्पण आपको पता है कि कैसा होता है, ये हमारा उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण का इमेज जो होता है, अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो लाइट आएगा पैरेलल, टकराने के बाद आपको पता है रिफ्लेक्ट होगा, इसको हम क्या करते हैं डॉट 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 करके हम दिखा देते हैं कि ऐसे चला गया, इसको डॉट डॉट लेट लिखाएंगे कि यहाँ पर एफ है तो इस एफ से पास होता है, इस एस से ऐसे, फिर हम इसको जब हम यहाँ से क्या करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस से पास करते हैं तो इमेज इसका यहाँ पर बनता है, यानी कि और ऑब्जेक्ट से बहुत छोटा बनता है। यानी कि इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा विलक्षण नहीं की बात कर रहा है, तो कौन सा होगा, स्मॉल साइज एज द ऑब्जेक्ट सीधा बनाता है, छोटा आकार क्या बनाता है, आभासी क्या वस्तु है बना सकता है, नहीं तो सेम साइज जो है कभी भी नहीं बन सकता कॉन्वेक्स मिरर के अंदर, यानी कि इसका राइट आंसर इज द बी। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 23वां क्वेश्चन पर आते हैं, जो 23 क्वेश्चन है, देखते हैं 23 क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, ये 20 है 23 क्वेश्चन। अब ते 23 क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, 23 क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए चित्र में लेंस को पहचान कर बताइए कि कौन सा लेंस है। आपको सिंपल दिख रहा है एक्स हमारा क्या है, कॉनकेव है, और ये हमारा कॉन्वेक्स है, तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस है, तो एक्स इज़ द उत्तल दर्पण एंड वाई इज़ द अवतल दर्पण, तो हमारा 23 का आंसर हो जाएगा अवतल लेंस और उत्तल लेंस, हमारा आंसर राइट आंसर इज ए, राइट। तो ये हमारा लेंस है इसीलिए हमारा अवतल लेंस है और ये उत्तल लेंस है। इंग्लिश में बात करें तो ये हमारा कॉन वैक्स लेंस है और ये हमारा कॉन केव लेंस है, राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है, क्वेश्चन नंबर देखिए अब आएगा हमारा 24। 24 में है कि ऐसा कौन सा लेंस है, कौन सा कथन सही है, अवतल लेंस प्रकाश की परावर्तित किरण को अपसारी करता है। दूसरा है उत्तल लेंस प्रकाश की परावर्तित किरण को अभिसारित करता है। अगर इंग्लिश की बात करें तो कॉनकेव लेंस इज डाइवर्ट्स द रिफ्लेक्टेड रे ऑफ द लाइट, कॉन्वेक्स लेंस इज कन्वर्ट्स द रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। मतलब क्या, इसमें से चार ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही है। तो आपने ये चीज़ पढ़ रखा है कि कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ट्स द रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट, कॉनकेव लेंस की बात करते हैं, कॉनकेव लेंस देखिए ऐसा होता है, ये क्या करता है जितने सारी लाइट आता है उसको डाइवर्ज करने का काम करता है तो ये करता है डाइवर्ज, तो हम ये कह नहीं सकते हैं कि ये क्या करता है, कन्वर्ज तो करता नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन तो हुआ नहीं। आगे बढ़ते हैं, उत्तल लेंस प्रकाश के परावर्तित किरण का अभिसारित करता है। उत्तल लेंस आपको पता है कि उत्तल लेंस ऐसा होता है, लाइट आती है लाइट को ये कन्वर्ज करता है, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज द रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड लिखा हुआ है, रिफ्लेक्टेड मतलब परावर्तित किरण, तो रिफ्लेक्टेड तो यहाँ हुआ नहीं, रिफ्लेक्टेड तो हुआ नहीं, लेंस के अंदर होता क्या है रिफ्रैक्टेड, तो अब रिफ्रैक्टेड में से ही कोई एक ऑप्शन होना है, यानी कि सी और डी में से कोई एक ऑप्शन होना है। आपको पता है कि कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करता है रिफ्रैक्टेड रे को, यानी कि अगर 24 की बात करें, 24 का राइट आंसर इज़ द डी इज़ द राइट आंसर, राइट। अब बस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25 आएगा, 25 की तरफ बढ़ते हैं, देखिए 25 क्या कहता है, ये हमारा 25 क्वेश्चन 25 है कि अ कॉनकेव मिरर हैज़ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द कर्वेचर, व्हाट विल द रेडियस ऑफ द कर्वेचर, यानी कि कोई एक कॉनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर। आपको पता है कि कॉनकेव लेंस कैसा होता है, तो कॉनकेव लेंस की संरचना आपको याद रखना है कि कॉनकेव लेंस हमारा ऐसा होता है, ठीक है, इसका ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होता है, यहाँ फोकस होता है, यहाँ 2F होता है, ठीक है, और अगर कह रहा है इसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो आपको याद रखना है फोकल लेंथ जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, तो R इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2F, तो इसका राइट आंसर इज 2 इंटू 15 इज इक्वल्स टू
30 इज़ द राइट आंसर। तो हमारा राइट आंसर कितना आ जाएगा 30, यानी 25 का आंसर हमारा आ जाएगा सी इज़ द राइट आंसर। राइट, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा आएगा कौन सा, तो 26। अब 26 की बात करते हैं कि 26 हमारा क्या कह रहा है। तो देखिए 26 में है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द रेनबो फॉर्मेशन। अब आपको पता है कि जब रेनबो फॉर्मेशन होता है, इंद्रधनुष बनता है, यानी कि रेनबो, उसमें क्या सीक्वेंस होता है। तो ये हमारे एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ये हमारे एनसीईआरटी में एक जगह पर मेंशन है आपका, जहाँ पर रेनबो फॉर्मेशन, वहाँ आप देख लीजिएगा, वहाँ आपको दिखेगा कि सबसे पहले जब इसमें होता है, होता क्या है कि सबसे पहले आपको रिफ्रैक्शन होगा लाइट का, ठीक है, उसके बाद क्या होता है डिस्पर्जन होता है लाइट का, उसके बाद क्या होता है इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। क्योंकि अगर मान लीजिए ये हमारी बारिश की बूंदें हैं, क्योंकि रेनबो में बारिश की बूंदें काम करता है, अगर मान लीजिए यहाँ से लाइट आई, टकराने के बाद ये ऐसा होता है, यहाँ से 7 कलर में बन रहे होते हैं, उसके बाद ये क्या होता है, यहाँ पर हमारा हो गया क्या चीज, रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन होकर देखिए लाइट फैल रहा है, उसके बाद यहाँ पर फैलने के बाद हमारा क्या ऑप्शन बनेगा, तो बनेगा यहाँ पर हमारा, बताइए क्या बनेगा, यहाँ पर रिफ्रैक्शन के बाद डिस्पर्जन होता है, लाइट डिस्पर्ज हो गया मीडियम बदलने की वजह से, और कुछ चीज़ें यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाती है और कुछ चीज़ें बाहर चली जाती है। तो इसको जो अंदर रिफ्लेक्ट होती है उसको हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि लाइट सबसे पहले क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, फिर डिस्पर्जन हुआ, फिर इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर इज़ द रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये आंसर इसका करेक्ट आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर, 22 क्या कहता है उसको ज़रा देखते हैं। देखिए 22 में हमें ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ से हमें बताना है कि क्या इसमें सिक्वेंस इसका सही है, कौन सा गलत ग्राफ है, ये हमें एक्सप्लेन करना है। तो इस क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, जिसमें ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ग्राफ में क्या कह रहा है, तो देखिए ग्राफ में कह रहा है कि विच ग्राफ इज करेक्टली डिपिक्ट द रिलेशन बिटवीन पावर एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। अब आपको पता है कि पावर और फोकल लेंथ में एक रिलेशन होता है, यानी कि पावर इक्वल्स टू 1/2 फोकल लेंथ होता है, और फोकल लेंथ जब लेते हैं तो ये हमें मीटर में लेना होता है। अब एक चीज़ देखिए कि अब आपको मीटर तक पावर जो है फोकल का रेसिप्रोकल है, यानी कि फोकस बढ़ रहा है तो पावर घटेगा, यदि फोकस बढ़ेगा तो पावर घटेगा। तो अब इसमें देखिए ऐसा कौन सा है कि मैं फोकस बढ़ा रहा हूँ तो पावर घट रहा है। तो देखिए ऑप्शन सेकेंड में, अगर मैं फोकस बढ़ा रहा हूँ तो पावर क्या हो रहा है, डिक्रीज करता हुआ जा रहा है। तो यानी कि राइट आंसर इज द, क्या हमारा राइट आंसर आएगा, हमारा ऑप्शन नंबर केबल सेकेंड, यानी कि बात करें तो 22वें का हमारा क्या आंसर आ जाएगा, ए इज़ द 22वां, नहीं कोई हमारा मिस प्रिंट है, 22 नहीं है, ये हमारा क्वेश्चन है 27। तो 27 इज द, 27 का हमारा ऑप्शन आ जाएगा ए इज द राइट आंसर, इसका 27 आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं कि 28 हमारा क्या कह रहा है। तो देखिए 28 क्वेश्चन नंबर पे, तो ये हमारा कह रहा है कि वह कौन सा कथन इस लेंस की पी को केबल लंबाई एफ या फोकस दूरी के बीच का संबंध को दर्शाता है। अब देखिए वही क्वेश्चन है, लेकिन बट ये है कि विजुअली, जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं उसके लिए क्वेश्चन है, वह कौन सा लेंस या कौन सा कथन एक लेंस, या देखिए इंग्लिश में बात करते हैं, द करेक्ट स्टेटमेंट दैट डिपिक्ट द रिलेशन बिटवीन पावर एंड फोकल लेंथ। तो पावर और फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है, तो इसका आंसर हमारा राइट आंसर इज द ए इज द राइट आंसर। तो आज ये 29 पर आते हैं, 29 की बात करते हैं, 29 क्या कह रहे हैं, वाहनों में लगे पश्च दृश्य दर्पण का आवर्धन होगा, मतलब जो जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द रियर व्यू मिरर फिटेड इन द व्हीकल्स। अगर मैग्निफिकेशन की बात करें तो मैग्निफिकेशन इक्वल्स क्या होता है, माइनस वी अपॉन यू। तो अब एक चीज़ देखिए कि जो फोकल, अगर आपकी वी की वैल्यू और यू की वैल्यू में एक रिलेशन होता है, और एक और हमारा मैग्निफिकेशन होता है, वो मैग्निफिकेशन कहता है कि
कि एम इक्वल्स टू एच आई अपॉन एच ओ। तो जितना हाइट ऑफ इमेज होगा, हाइट ऑफ इमेज अगर हम बढ़ाते जाए, इमेज अगर जितना बढ़ेगा उतना हमें ऑब्जेक्ट ज़्यादा दिखता है। लेकिन रेयर व्यू में अगर हम इस दर्पण में बात करें तो इस दर्पण के अंदर जो होता है हमारा इमेज छोटा दिखता है। तो इसका मतलब है कि इसका राइट आंसर क्या बनने वाला है, 29 का ए लेस देन 1। मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा, लेस देन 1। यदि एच आई और एच ओ बराबर होता तो 1 आता है, लेकिन एच आई की वैल्यू छोटी है तो हमें पता है कि अगर एच आई की वैल्यू छोटी होगी तो इसका मैग्नीफिकेशन की वैल्यू भी कम आएगी। तो इसका राइट आंसर ए आ जाएगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर अब 30 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, तो 30 में देखिए लिखा हुआ है कि इसको अगर हम अगर हमारे पास एक प्रिज्म है, इस प्रिज्म से अगर वाइट लाइट आ रही है और तो यहाँ से हमें 7 कलर बटेगा, लेकिन अगर मैं उल्टा प्रिज्म एक यहाँ पर रख देता हूँ तो जब ये उल्टे प्रिज्म से पास होता है तो ये एक सबका सातों कलर एक कलर में बन जाता है, स्क्रीन पर एक कलर हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पर हमारा क्या दिखेगा, एक कलर दिखाई देगा। अब देखिए इसका क्या ऑप्शन आने वाला है, तो हमारा 30 का ऑप्शन आने वाला है कि स्क्रीन पर हमें क्या दिखने वाला है, सिंगल कलर। तो आपका राइट आंसर हमारा मिल जाएगा 30 का कौन सा, तो 30 का राइट आंसर इज द सी इज़ द राइट आंसर। बीम ऑफ वाइट लाइट इमर्ज बट आउट ऑफ द प्रिज्म, यानी कि प्रिज्म से जब ये बाहर निकलेगा तो वाइट लाइट दिखाई देगा, ये इसका राइट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। 31 विजुअली हिंजिक आपके लिए है, बस फिर भी अगर इसमें क्वेश्चन को देखना चाहे तो हम लोग देख सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि ड्यू टू विच फिनोमेना ऑफ लाइट द सन अपीयर्स रेड ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज, ऐसा कौन सा फिनोमेना है जिसके द्वारा सनराइजेज के दौरान और सनसेट के दौरान सन जो है हमें कैसा दिखता है, रेड दिखता है ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज। तो हमारा 31 का जो आंसर आने वाला है वो क्या होने वाला है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्योंकि जब लाइट स्कैटर्ड होता है तो हमें पता है कि 7 कलरों में डिफेक्ट हो जाती है, और 7 कलर में जब स्कैटर्ड होती है तो हमें रेड कलर नज़र ज़्यादा आता है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होने की वजह से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। तो 32 हमारा है क्या, तो डायग्राम से आपको क्वेश्चन पता चलेगा 32 का। देखिए लिखा हुआ है कि आइडेंटिफाई करो कि एक्स में क्या है और वाई में क्या है। तो इस डायग्राम से हमें देख के पता करना है कि एक्स जो है उसमें कौन सा पार्ट है। अब आपको चीज़ याद रखना है कि जब कभी भी हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस होता है, यदि इसमें वाटर भरा हुआ है और इसमें हम इलेक्ट्रोड डालते हैं, एक में होता है एनोड, एक में होता है कैथोड, यानी कि एनोड कैथोड पॉजिटिव एनोड नेगेटिव। तो जो हमारा एनोड वाला पार्ट होगा उस पार्ट में हमारा क्या होगा कि नेगेटिव आयंस जो होता है वो ईजिली वहाँ पर मूव करने की कोशिश करता है और पॉजिटिव आयन अपने पॉजिटिव आयन की तरफ मूव करता है। तो इसका मतलब है कि हमारा 32 का जो आंसर आएगा वो क्या होगा कि वो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन वो हमारे एनोड पे भागेगा यानी कि एक्स पे जाएगा, और वाई जो है वो हमारा ऑक्सीजन कैथोड पे भागेगा। तो राइट आंसर इज़ द बी इज़ द राइट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, ये विजुअली हैंडीकैप के लिए है, तो इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग एक क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। 34 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिए 34 हमारा है ये कि इसमें कह रहा है कि MgO के बिलियन में कुछ बूंदे HCl की मिलाई गई है और प्राप्त आंकड़ों के आधार पर एक ग्राफ खींचा गया है। इस ग्राफ के अनुसार बिलियन कब सबसे अधिक अम्लीय होगा। अब आप खुद सोचिए, कह रहा है कि अगर कोई सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन के अंदर में हम क्या कह रहे हैं, एसिड मिलाते हुए जा रहे हैं, HCl मिलाते हुए जा रहे हैं। तो कह रहा है इसका एक ग्राफ दिया हुआ है जिसकी pH की वैल्यू ऊपर की तरफ pH की वैल्यू है, इधर की तरफ एसिड का अमाउंट है। देखिए एसिड जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है pH की वैल्यू घटती जा रही है, और आपको याद रखना है जब pH की वैल्यू डिक्रीज करता है यानी कि 7 से लेस देन होता है pH की वैल्यू, तो क्या होता है कि वो एसिडिक बनता हुआ चला जाता है। तो मोर एसिडिक, धीरे धीरे एसिड की इसमें मात्रा बढ़ने से एसिडिक बढ़ता हुआ जा रहा है। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, कहाँ पर जाकर इस कहाँ पर जाएगा तो इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी ज़्यादा हो जाएगी। तो जब 8 ड्रॉप इसमें डल जाएगा तो एसिडिक प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो राइट आंसर इधर डी इज़ द राइट आंसर।
आगे बढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। 35 क्या कहता है कि ब्लीचिंग पाउडर का सामान्य नाम क्या है, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर जो है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, यानी कि द केमिकल कॉमन नेम ऑफ COCl2, इसको हम कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। तो राइट आंसर इज द ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 36 क्वेश्चन क्या कहता है, 36 से है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड इज़ द एम्फोटेरिक ऑक्साइड, बिकॉज जो एल्युमिनियम के ऑक्साइड्स होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं। क्यों होते हैं, इसके पीछे रीजन याद रखना है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करता है, इस वजह से एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहलाता है। तो 36 का सी इज़ द राइट आंसर, बिकॉज दे रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस। राइट, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 36 हो गया। 37 की तरफ आते हैं। देखिए 37 में कह रहा है इसका करेक्टली मैच करने के लिए फर्स्ट को सेकेंड के साथ। तो आयरन क्या करता है वो हमें देखना है, किसके साथ मैच करता है, इसके ऑप्शन से हमें चलते हुए चलेंगे। तो देखिए कि इसका क्या होने वाला है, आयरन फ्रॉम ब्लैक सब्सटेंस ऑन द एक्सप्लोजर। इसके क्या कहता है, इसके ब्लैक काफ़ी दिन तक इसको हवा में छोड़ दें तो इसमें काला पदार्थ बन सकता है, ये कह रहा है। ये तो होता नहीं है, इसमें एक दूसरे कलर का बनता है। मरकरी अत्यधिक आघातवर्धिता है, यानी कि मेलेबल तो मरकरी होता नहीं है, ये भी गलत है। सोना तमानता पर तरल रहता है, गोल्ड तो लिक्विड रहता ही नहीं है, यानी कि सोडियम को हम क्या करते हैं, केरोसिन में डुबा के रखते हैं। राइट आंसर इधर डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि सोडियम को हम क्या करते हैं, केरोसिन में डुबा के रखते हैं, जो हमारा स्टेटमेंट सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। तो 38 कहता है कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र, यानी कि व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ द वॉशिंग सोडा। तो आपको याद रखना है वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला सूत्र क्या होता है, तो याद रखना Na2CO3.10H2O। तो देखिए Na2CO3.10H2O कहाँ पर है, बी इज़ द राइट आंसर। तो 38 का हमारा आंसर आ जाएगा बी इज़ द राइट आंसर। अब आते हैं 39 की तरफ। 39 देखिए क्या कह रहा है, 39 में जो आपको डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम से आपको क्या पता चल रहा है, हमें इसमें पता है कि ये क्या कह रहा है कि अगर आप अपने हाथ में एसिड डालेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हाई हमारे अंदर क्या करता है, कॉन्सेंट्रेटेड होता है, तो हाथ को जला सकता है। तो इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, इसमें प्रिकॉशन दिया जाता है कि हमें हाथ में को एसिड से नहीं धोना चाहिए। तो 39 का राइट आंसर क्या बनने वाला है, क्वेश्चन देख के कह सकते हैं इसका राइट आंसर बी इज़ द राइट आंसर। द सॉल्यूशन इज हाईली कोरोसिव इन नेचर दस वेरी हार्मफुल टू अस, बहुत कोरोसिव नेचर होता है जिससे हमें वो हार्मफुल कर सकता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। तो क्या लिखा है, आम तौर पर ये तो भी एक ये फिजिकली है जो कि आपके लिए बच्चों के लिए हो जाएगा, तो इसको स्किप करते हुए हम आगे बढ़ते हैं 41 क्वेश्चन की तरफ। तो आइए 41 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। 41 कह रहा है कि असर्शन और रीजन के क्वेश्चन हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं।